नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी TSSSC पैट परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूँ, जो आने वाली यूपी TSSSC पैट परीक्षा 2023 में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आप सब लोग ये भी जानते हैं कि पैट परीक्षा 28 और 29 अक्टूबर 2023 को होने वाली है। जब तक आप पैट परीक्षा में अच्छा स्कोर करके नहीं आ पाओगे, तब तक आप यूपी TSSSC के द्वारा आयोजित होने वाली किसी दूसरी परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे, यानी आप मेंस की परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे। तो इसी आपको अच्छा स्कोर कराने के लिए लगातार मैं अपने चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट एक ऐसा जरिया है जिससे अभ्यर्थी को पता चल पाता है कि उसकी तैयारी कैसी चल रही है और वो इस प्रैक्टिस सेट में कितने नंबर ला पा रहा है। तो साथियों, अगर आपको आज का प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यूपी TSSSC पैट परीक्षा 2023 के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 30। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय, ये आपको बताना है। तो ये मुख्यालय है देहरादून में। कहाँ? देहरादून में है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके सामने कि ब्लैक हिल पहाड़ियाँ किस देश में हैं। तो कौन से देश में है ब्लैक हिल पहाड़ियाँ, ये आपको बताना है। तो ये हैं यूएसए में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर तीसरा है आपके सामने कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई, ये आपको बताना है। तो ये कहलाती है क्वांटोसोम। तो तीन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर चार है आपके सामने कि मानव शरीर में रक्त की अवांछनीय पदार्थों को कौन पृथक करता है। तो कौन पृथक करता है शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को, तो ये ब्रिक अलग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर पाँच है आपके सामने कि पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है। तो कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो पाँच का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये यूरेनियम प्राप्त होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर छः है आपके सामने कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस, ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है प्रति वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मगध का प्रथम राजवंश कौन था। तो कौन था मगध का प्रथम राजवंश, ये आपको बताना है। तो ये था हर्यक वंश मगध का प्रथम राजवंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद को किसके द्वारा बनवाया गया था। तो किसने बनवाई थी आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद, ये आपको बताना है। तो ये बनवाई थी शाहजहाँ ने आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर नौ है आपके सामने कि इंडियन मिरर पत्र के संपादक कौन थे। तो कौन थे इंडियन मिरर पत्र के संपादक, ये आपको बताना है। तो इसके संपादक थे केशव चंद्र सेन। तो नौ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर दस है आपके सामने कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। तो कब पारित हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट, ये आपको बताना है। तो ये पारित हुआ था 1784 में। तो दस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो कौन था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय, तो उस समय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा है। तो कौन से अनुच्छेद में है
मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा ये आपको बताना है। तो ये है अनुच्छेद 34 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने कि मारे डार्लिंग नदी के किनारे कौन सा देश बसा है। तो कौन सा देश बसा है ये आपको बताना है। तो मारे डार्लिंग नदी के किनारे बसा है ऑस्ट्रेलिया। कौन? ऑस्ट्रेलिया। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने कि प्रकृति में कौन सा यौगिक की मात्रा सबसे अधिक है। तो कौन से यौगिक की मात्रा सबसे अधिक है ये आपको बताना है। तो ये है सेलुलोज की मात्रा। किसकी? सेलुलोज की मात्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कि मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है मैन ऑफ डेस्टिनी ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है नेपोलियन को। किसे? नेपोलियन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि नील दर्पण के लेखक कौन है। तो कौन है नील दर्पण के लेखक ये आपको बताना है। तो नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्रा। कौन? दीनबंधु मित्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है शेरे कश्मीर। तो ये कहा जाता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो कौन है वो प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर करके पार किया था। तो ये है आरती साहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर रामचरित के लेखक कौन है। तो कौन है उत्तर रामचरित के लेखक ये आपको बताना है। तो इसके लेखक हैं भावभूति। कौन? भावभूति। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने कांग्रेस ने गोलमेज की किस बैठक में भाग लिया। तो कौन सी बैठक में भाग लिया था कांग्रेस ने ये आपको बताना है। तो कांग्रेस ने गोलमेज की केवल दूसरी बैठक में भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने कि दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था और ये राजीव गांधी के समय पारित हुआ था। तो ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा पारित हुआ था ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है। तो कौन से देश में माओरी जनजाति निवास करती है ये आपको बताना है। तो इस जनजाति का निवास स्थान है न्यूजीलैंड। कौन सा है? न्यूजीलैंड है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो कौन सी है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी ये आपको बताना है। तो ये है पारसनाथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने कि देश की पहली महिला एम्पायर कौन थी। तो कौन थी देश की प्रथम महिला एम्पायर ये आपको बताना है। तो ये थी अंजलि राय। कौन? अंजलि राय थी देश की प्रथम महिला एम्पायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 25 से आपके सामने कि वनडे बंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो कौन इस पुस्तक के लेखक ये आपको बताना है। तो वनडे बंडर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं सुनील गावस्कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 26 से आपके सामने कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। तो कौन से कवि ने ये नारा दिया था ये आपको बताना है। तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 27 की मुक्ति दिवस मुसलमानों द्वारा किस तिथि को मनाया गया। तो कब मनाया गया था मुसलमानों के द्वारा मुक्ति दिवस को यह आपको बताना है। तो ये मनाया था 22 सितंबर को मुक्ति दिवस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई, तो कब हुई थी अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना ये आपको बताना। तो ये हुई थी 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 29 है आपके सामने कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है शारदा एक्ट ये आपको बताना है। तो शारदा एक्ट संबंधित है बाल विवाह से, किससे बाल विवाह से शारदा एक्ट संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 30 है आपके सामने कि आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो कौन से खेल से संबंधित है आयरन शब्द ये आपको बताना है। तो ये संबंधित है गोल्फ से, किससे गोल्फ से संबंधित है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 31 है आपके सामने कि देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन है, तो कौन सा है देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय ये आपको बताना है। तो यह पंतनगर विश्वविद्यालय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 32 है आपके सामने कि राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा, तो कब लगा था पहली बार राष्ट्रपति शासन, तो ये लगा था 1951 में पहली बार राष्ट्रपति शासन, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 33 है आपके सामने कि मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो कौन इस पुस्तक के लेखक ये आपको बताना है। तो मेरा वतन पुस्तक के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, कौन विष्णु प्रभाकर, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 34 है आपके सामने कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया था दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण, तो ये करवाया था औरंगजेब ने, किसने औरंगजेब ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 35 है आपके सामने कि हाथी गुम्फा अभिलेख में किनकी उपलब्धियों का वर्णन है, तो किनकी उपलब्धियों का वर्णन है ये आपको बताना है। तो ये है खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 36 है आपके सामने कि राल्फ पिच किसके शासनकाल में भारत आया था, तो किसके शासनकाल में भारत आया था ये आपको बताना है। तो राल्फ पिच आया था अकबर के शासनकाल में भारत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि खारवेल को किस उपाधि से पुकारा जाता है, तो कौन सी उपाधि से पुकारा जाता है खारवेल को ये आपको बताना है। तो ये पुकारा जाता है महाराज की उपाधि से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ शहर की स्थापना किसने की, तो किसने की थी लखनऊ शहर की स्थापना ये आपको बताना है। तो लखनऊ शहर की स्थापना की थी लक्ष्मण जी ने, किसने लक्ष्मण जी ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 39 है आपके सामने कि गोलघर की स्थापना किस वर्ष हुई, तो कब हुई थी गोलघर की स्थापना ये आपको बताना है। तो गोलघर की स्थापना हुई थी 1786 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों आज के इस वीडियो में मैंने आपको 39 प्रश्न करा दिए जो यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा 2023 की संपूर्ण तैयारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है, क्योंकि जीके जीएस में ही सभी अभ्यर्थियों का अच्छा स्कोर करने का टारगेट होता है, जब वो आने वाली किसी मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।